बड़ी खबर का रुख करेंगे। रायपुर से जहां फसला पंचायत के परिणामों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया है। कहा है कि कवर्धा और राजन गांव में हुई है भाजपा की जीत। मुझे लगता है कि कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग भी हुई है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कवर्धा राजन गांव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। राजन गांव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र भी है और इसी जगह से उनके बेटे अभिषेक सिंह भी सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 के आम चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, एक तरह से कांग्रेस का गढ़ भी ये कहा जाता, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी इसको कहा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी आशीष तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष जी, राजन गांव कवर्धा में भाजपा ने जीत दर्ज की है और साथ ही रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, मतलब कांग्रेस वालों को पूरी तरह से साम दाम दंड भेद अपनाते हुए क्रॉस वोटिंग के लिए मजबूर किया गया क्या? देखिए, फिलहाल ऐसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जरूर बीजेपी के खाते में बड़ी जीत राजनांदगांव और कवर्धा से निकलकर सामने आई है। राजनांदगांव पंचायत में क्योंकि बीजेपी के पास केवल 12 सदस्य ही थे, लेकिन जब वोटिंग के रिजल्ट बाहर आए तब बीजेपी की जो जिलाध्यक्ष चुनी गई है उनके खाते में जो वोट दर्ज हुए उसकी संख्या 14 थी। यानी बीजेपी मान तक चल रही है तो ऐसे वोट थे जो कांग्रेस के थे और क्रॉस वोटिंग के बाद ये बीजेपी के हिस्से आए हैं। बीजेपी इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। राजनांदगांव की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन की अपनी कॉन्स्टिटेंसी है, इतिहास से बीजेपी इसे बड़ी जीत करा दे रही है। लेकिन कवर्धा की जीत भी बीजेपी के लिए अपने मुताबिक एक बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि कवर्धा सरकार के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर का गढ़ है और यहाँ से यदि निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष का जीतना बीजेपी के हिस्से से जीतना एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कवर्धा और राजनांदगांव के नतीजों के बाद यही कहा है कि कार्यकर्ताओं की जीत है। हालांकि कोई पॉलिटिकल रिएक्शन डॉक्टर रमन सिंह ने इस बीच के बाद नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तमिलनाडु में की बात की जाए तो